अच्छा है, तो ये काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ के हिसाब से। कोई शायरी मुझे नहीं आती, नहीं कोई वर्ड वर्ड थ्रो करो, मैं बनाता हूँ कोई अच्छी शायरी। बोलो रॉक रॉक बहन, रॉक पे कौन शायरी होती है भाई? ये सुभाषीष मिलियन काट भाई, नया वाला लाते हैं कुछ। दिल था काला सूरत की बोली, यू डिजर्व समवन बेटर, बोल के चली गई बहन। आई एम बैक विथ शांतनु मित्तल और हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप टू शिमला। काफ़ी टाइम बाद एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं और सुबह की ट्रेन है 5 बजे की और हम रात भर, मतलब मैं रात भर सोया नहीं, ये तो अच्छा सो लिया था 2 घंटे यार, वो जब से गई नींद ही नहीं आ रही यार। फिर याद दिला दिया यार तूने यार, ये सब गलत है भाई साला, ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ये सब मजाक, तो सब मजाक की बातें थी, कोई सीरियसली नहीं लगा इन सब बातों को, और सब मजाक की बातें भाई, क्योंकि अपना वो वाला उसूल है ना शान भाई, वो कुछ लाइंस हैं कि लाखों चेहरे हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें, हमसे ना हुआ किसी एक को चाहें। अब 2, 4, 6, 8, 10 की ये तादाद नहीं, कितनी लड़कियां हुई हम तो बर्बाद, हमें याद नहीं भाई। वाह, हम पहुंच गए चंदूसी जंक्शन, चंदूसी जंक्शन आ चुका है, हमारे 2 लोग हैं भाई, 2 बंदे और पकड़ने, उसमें से एक बंदा कतई फनी बंदा भाई, फनी एक फनी बंदा भाई, उसका नाम है शुब्बू, शुब्बू 40L। अरे भाई देखना। ओके, तो हम पहुंच गए चंदूसी जंक्शन और ये मेरा दोस्त है शांतनु, इसे मैं शान बुलाता हूँ कभी कभी, शांतनु मित्तल कुछ भी चलता है। ये हमारे पीयूष वाचने, इसे पीयूष वाचने बिल्ली ये सब नाम है, और ये हमारा दोस्त है आ गया सुभाषीष, ये हमारा दोस्त है सुभाषीष, शुभू शुभू लोडू कुछ भी बुला लेता ओके। तो भाई लोग हम पहुंच गए हैं शिमला जाते जाते चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ये प्लेस है रॉक गार्डन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस इज, और काफ़ी मतलब पत्थरी हैं, नाम से तो पता चल रहा है वैसे रॉक गार्डन, और पता नहीं साथ ही लोग घूम नहीं रहे हैं क्या यार, मतलब ये देख लो, इससे अच्छे तो मंदिर में शिवलिंग होता है भाई, देख लो ना ये गार्डन भाई, रॉक गार्डन, इनका कुछ हो सकता है लेकिन कुछ लिखा भी नहीं कहीं पर हम पढ़ के इसके बारे में पता लगा सकें, रॉक गार्डन है भाई ये, इसका हमने क्या कहते हैं पर पर्सन 30 रुपये का टिकट दिया बॉस, भाई टाइम पास नहीं सही है। ओके, तो वाइल वी वर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, हम इस दीवार के पास आ गए, ऐसी दीवार हमें क्या कहते हैं ताजमहल के पास देखने को मिली थी, जहाँ पे ये प्यार करने वाले प्रेमियों ने अपने निशानी छोड़ रखी है, ऐसे ही इन सब चीज़ों से हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन लोगों ने बिगाड़ रखी है, आप ऐसा ना करें बॉस, पता नहीं क्या है भाई, कुआ है या फिर कुछ भी है, कुछ मतलब यहाँ पे लिखा भी नहीं है, कुछ लिखा हो तो हम पढ़ पाएँ उसके बारे में समझ पाएँ, जस्ट इस रॉक गार्डन बना दिया है, लोग घर बनाते हैं उन्होंने गार्डन ही बना दिया पूरा, ठीक है भाई, लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, अच्छी जगह फैमिली के साथ आने की, फैमिली के साथ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जो बातें मैंने इसके बारे में पहले बोली थी अब वो चेंज हो रही है भाई, जगह तो काफ़ी अच्छी है यार, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, और काफ़ी मतलब प्यारी जगह है यार, मतलब आ सकते हो, और बेस्ट पार्ट है अपनी बंदी के साथ हो यहाँ, बेस्ट पार्ट है अपनी बंदी के साथ हो यहाँ, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, पता ही प्रिंस ऑफ पर्सिया वाली फीलिंग दे रहा भाई है, देख रहे हो भाई क्या जगह है यार, ऑसम भाई, मजा आ रहा भाई। शांतनु भाई ने मुझसे बोला थोड़ा संभाल के, क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं है शांतनु मोबाइल,
तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे पानी में गिराने की। देखो देखो, अरे भाई ये भी देखो, यहाँ पे जाओ पानी के बीच में उसकी जान अटक रही है भाई। वाटर प्रूफ है ना ये तो? अबे पागल है यार, वाटर प्रूफ नहीं है भाई। अबे यार पहले बताना था मोबाइल भाई, मुझे लगा वाटर प्रूफ है, मैं पानी में लेके जाने वाला था। कोई बात नहीं, चलता भाई ये सब। और यहाँ पे कोडिंग सेशन चल रहा है बहुत तगड़ा भाई, लोगों का अलग अलग कोड दे रहे हैं भाई बंदे। कुछ देर बाद हम भी ऐसे ही पोज देने वाले हैं, सही बताएं तो। पीयूष भाई सोच रहे हैं, पीयूष भाई प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे पोज देना पड़ेगा। ये सर हमने जल्दी फोटो खिंचवा लिया वरना ऐसा कुछ होता। यहाँ देखिए भीड़ी भीड़ है बॉस, हम जीत गए। डेट इज आर डेस्टिनेशन, यहाँ से पीयूष भाई फोटो खींचेंगे तो हम जल्दी जा रहे हैं। यहाँ से नहीं है रास्ता, तो कहाँ से रास्ता? भाई यहीं से होगा आना तू। ये हम गिरजा देवी की चढ़ाई चढ़ते हो भाई। अबे बंदे भाई, ये मैं बोल तो रहा हूँ पीछे से, बंदे भाई बंद है यार, गलत रास्ते से पीछे से है भाई। जल्दी चल भाई जल्दी, गलत रास्ते पे ले गया बंदा। अच्छा बता जा रहा था मैं सही रास्ते पे। अच्छा फिर भी जाऊंगा भाई, कुत्ते का मोबाइल के साथ। मोबाइल थोड़ा सा लूज भी होया, गिरते गिरते भाई कोई नहीं, लेकिन गिरा नहीं भाई, गिरेगा नहीं, गिरने नहीं दूंगा अपने। अगर गिर गया ना अपने मोबाइल लेके जाऊंगा। अरे मेरा मोबाइल सस्ता मोबाइल है भाई, तुम अमीर आदमी भाई। ऐसा लग रहा मैं टिटला की गुफा में घूम रहा हूँ, राउडी राठौर में थी भाई। कितने का? 21,000 का है। और क्या भाई, झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? झूठ नहीं सच्चा भाई, बिल्कुल। अब भाई मार्केट से निकलने के बाद हाफ हो जाती है वैल्यू, 11.5 का बोलो, 11.5 तेरी 10.5। अबे हाँ था ना, यही थी शायद मेरे हिसाब से, गाने में जो थी ना। ठीक है तो तुम यही जगह सही है ब्रो, बढ़िया। अरे पानी कहाँ लेके जा रहे हैं शानरो? हमें तो लगा था छोटी डिस्टेंस होगी। इमोशनल डैमेज अंकल बना दिया इसने। अरे भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, हमारे स्पॉट पे कब्जा हो गया भाई। ये पुल कभी भी टूट सकता है थोड़ा संभल के रहें इस दुनिया से। तो बॉस हमारे पीयूष भाई जिन्होंने बी डी एस आर से फोटो खींचा, वो रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में बहुत मेहनत करा लड़का यार। अच्छा है तो ये काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ के हिसाब से। कोई शायरी मुझे नहीं आती, नहीं कोई वर्ड वर्ड थ्रो करो, मैं बनाता हूँ कोई अच्छी शायरी बोलो। रॉक बैंड, रॉक पे कौन शायरी होती है भाई? मतलब लड़की दर्द प्यार तकलीफ ये तो नॉर्मल है, प्लीजिंग चलो। हाँ भाई पीस। एक था भाई की चंद्र भाई सुनेगा, सुभाषी भाई सुनेगा, इश्क में वफा नहीं मिलती। इश्क में भाई देख ले यार, सुन नहीं रहा भाई। इश्क में वफा नहीं मिलती, इस जख्म की दवा नहीं मिलती। कानून तो अंधा है ना साहब, बेवफाओं को सजा नहीं मिलती। भाई थोड़ी तारीफ करो भाई, थोड़ा पुराना हो गया भाई, नया वाला लाते हैं कुछ। दिल था काला सूरत की भोली, यू डिजर्व समवन बेटर बोल के चली गई बहन। देखो ये ऐसी ऐसी चीजें मजा आता है लड़कों को, ये डाल भी नहीं सकता। सो अभी हमने पीयूष का एक डोपलगैंगर वेरिएंट देखा है यहाँ पे। ये बंदा ये पीयूष का वेरिएंट है, दूसरी पहला मल्टीवर्स से। और पीयूष भाई कहाँ है, गायब हो गया यार वो तो, उसे वो आए नहीं इतनी देर में यार। और हमारे पीयूष भाई गायब हो चुके हैं जैसा ही है, क्या बताया, अब इंतजार कर रहे हैं वो आ ही नहीं रहा है भाई। पैरों पे मेहंदी लगा रखी है, उनके पांव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। तो डीएसएलआर गिर गया उसके रास्ते में, तो वो उसके चिथड़े अंजर बंजर बटोर रहा है, मतलब तो आ जाना चाहिए यार इतनी देर में। यहाँ पहले के जमाने में लोगों को कैद करके रखा जाता था, काला पानी की जेल से यहीं पे लाए जाते थे वो लोग सीधे, ऐसे लोग ऐसे लोग भाई देख रहे हो यार, सीधे हाथापाई पे आया था, सीधे बंदे ने कंधे पे हाथ रख दिया और मेरा डोला बोला देख नहीं रहा है, मैंने मारना चालू करा तो भाई पता भी नहीं चलेगा कहाँ चल रहा है। देखो भाई प्यार है भाई, कुछ नहीं है, मैं मारता नहीं भाई, छोटा भाई है मेरा, झूठ बोल रहा हूँ, बहुत मारता हूँ भाई। सारी बातें सुन रहा है भाई, इसकी एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ।
अरे अरे नहीं भाई 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 नहीं नहीं सुना नहीं सुना था, बचपन से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। हाँ, बचपन से यही है भाई। भाई ये कहाँ आ गए भाई हम? अबे चलो भाई, वो काफी लंबी प्लेस है भाई। भाई यहाँ पे डॉल कहाँ है भाई? यहाँ पे म्यूजियम कहाँ है भाई? डॉल डॉल कहाँ है भाई? डॉल यहाँ डॉल्स है, डॉल है यहाँ पे। हाँ तो बस हम ऐसे ही भटकते रहे इस पत्थर के गार्डन यानी रॉक गार्डन में, और ये जगह काफ़ी अच्छी थी। इफ़ यू एवर विजिट चंडीगढ़ यू शुड विजिट दिस प्लेस, इट्स अ नाइस प्लेस, काफ़ी अच्छी जगह है यार। और याद रखना बंदी के साथ आना। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से अपना सफ़र चेंज किया और हम निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन शिमला की ओर। स्टे ट्यून्ड। इतनी गालियाँ दी ना इन लोगों ने भाई मेरे जैसे पवित्र इंसान के सामने, पता नहीं कितनी डीपी लगाया, कितनी कितने फोटो खींचे, कितनी डीपी करनी भाई। पता है KGF 2 देख रही, उसके बाद से मैं बैठा है ना, खड़ा नहीं हो पाया अभी तक। फोटो दिखा दीजिए, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, यू नो इंट्रो में लगा देना। वी आर अमीर बाप की, इसकी फोटो और एक इसकी फोटो, ये दूसरा